जिला के डोहलुनाला टोल प्लाजा में भारी टोल टैक्स बढ़ाने के बाद जनता उग्र है ऐसे में जिला प्रशासन एनएचआई और फोरलेन संघर्ष समिति के बीच बैठक जा रही इस दौरान जिला प्रशासन ने पहले फोरलेन संघर्ष समिति के साथ बैठक की जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने माना कि भारी टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है जिससे जनता को दिक्कतें हो रही है अधिकारियों ने जवाब दिया कि उनके हाथ में टोल टैक्स घटाने का कोई प्रावधान नहीं है ऐसे में इसको लेकर केंद्र सरकार के समक्ष जनता की समस्याओं को पहुंचाया जाएगा आज दो दौर की बैठकें हुई पहले दौर में जन समस्याओं को सुना गया जो प्रभावित थे जितने भी संगठन आज आए थे लगभग तीस से बत्तीस संगठन थे और पूरी जो है कुल्लू की प्रबुद्ध जनता जिसमें हंड्रेड प्रतिशत जो है कुल्लू की जनता प्रभावितों में श्रेणी में आते टोल टैक्स के इन्हांसमेंट और टोल टैक्स टो टोल लगाने से आज दो दौर की बैठक हुई पहले दौर में ये कहा गया कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है लेकिन जैसे ही नेशनल हाईवे के साथ इनकी इंडिविजुअल प्रशासन की बैठक हुई तो प्रशासन की बैठक के बाद फिर हमारी बैठक हुई तो हमारी बैठक में इन्होंने सबसे बड़ी बात है हमारे दो ही मुद्दे थे हमने इनको ये कहा था कि आप जो है कमेटी का गठन करें 60 किलोमीटर तय करें अगर मनाली से 60 किलोमीटर कहाँ बनता है तो वहाँ 60 साठ किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगाएं एक बात हमने ये की दूसरी बात हमने ये की कि डॉल नाला का टोल प्लाजा अनैतिक है इलीगल है जो हम पिछले तीन वर्षों से बोल रहे हैं तो लेकिन आज जो है इन्होंने उस बात को भी नहीं माना और दोनों बातें नहीं मानी और एक सौ प्रतिशत हिनांस्ड रेट पर जो है हमारे को जो है दो दिसंबर दो से इन्होंने रेट लगा दिए और उसके तहत ही आज ये बैठक थी और आज बैठक में ये तय हुआ कि 10 दिन के अंदर जो है हम ये जो है टो टोल टोल से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार तक लाएंगे और नेशनल हाईवे को भी डायरेक्शन प्रशासन ने दिया लेकिन अब सामूहिक जो है बत्तीस संगठनों ने यह निर्णय किया कि हम जो है इनकी बात को नहीं मानेंगे दस दिन हम देंगे लेकिन दस दिन तक जो है टोल फ्री स्थानीय लोगों को किया जाए इसलिए मानेंगे अगर दस दिन के बाद अगर ये कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं अगर ये कोई सोल्यूशन निकलता है हम फिर बैठेंगे लेकिन आम जो बस ऑपरेटर्स ट्रक ऑपरेटर्स प्राइवेट वाहन वाले कि अगर एक साल के लिए कोरोना काल में पंजाब हरियाणा में टोल को फ्री किया जा सकता तो दस दिन के लिए यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता देखिए बिल्कुल ज्यादती पे ज्यादती हो रही है जनता के साथ एंड संघर्ष समिति ने कई बार इस मामले को उठाया और कई दिनों से कई महीनों से सालों से सिर्फ एक ही बातें हम करेंगे हम करेंगे आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे कोई भी किसी भी जगह पर कोई भी निर्णय जो है एन नहीं ले रही है टोल प्लाजा का जो है इशू बहुत बड़ा इशू है जनता दुखी है और इसको जिस तरह से ये बढ़ा रहे हैं आज हम देख रहे हैं मैं देख रहा हूं अभी आपके ध्यान में जो पैंतीस रुपये से पचहत्तर रुपये जो है लोगों ने जो है ना आज जो ना कार जीप का किया हुआ है प्राइवेट व्हीकल का किया हुआ है का एक सौ किया हुआ है और एक सौ नब्बे रुपये की हुआ दोनों साइड के लिए आने जाने के लिए ये इस वक्त जो है ना इतना ज़्यादा कर दिया हुआ दो से तीन गुना इन्होंने इन्हों बढ़ा दिया इनको बढ़ाने में के बनाए बात अलग है लेकिन जो जनता की जो सुविधाएं देने की बात आती है जबकि सबसे पहले तो साठ किलोमीटर के अंदर जो है टोल प्लाज़ा का दूसरा कोई भी टोल प्लाजा नहीं लग सकता है ये नितिन गडकरी जी ने बड़ा स्पष्ट किया हुआ है और उसके बाद हरियाणा पंजाब जाइए आप यूपी बिहार में जाइए आप जहाँ भी टोल प्लाजा लगा हुआ है पंद्रह से बीस किलोमीटर का जो रेडियस है जो स्थानीय लोग हैं उनको वहाँ पर जो है फ्री पास दिए जाते हैं यहाँ पर वो भी नहीं दिया जा रहा है हमारा फ्रूट फ्रूट का एरिया है हमारा बेजी मार ऊपर यह जाती थोड़ी जा रही है क्या हम लोग जो है ना कुल्लू के लोग जो है ना बोलते नहीं इसलिए हो रहा है ये कम दो चीज़ें हमने आज अंदर जो है ना डीजी uh, साहब के सामने भी रखी है और पीडी के सामने भी रखी है प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो एन है कि आप पहले तो ये कहें कि जो हमारा जो 15 बीस किलोमीटर का रेडियस है उस पर आप जो ना हमारे गुट दे रहे हैं वो दी जाए दूसरा 60 किलोमीटर के अंदर दो टोल प्लाज़ा लगाने का कोई मतलब नहीं है एक जो डॉल नानगा टोल प्लाजा उसको तुरंत हटा दिया जाए या सात किलोमीटर बताए कहाँ साठ किलोमीटर इनका हुआ है ये जो जाति है ये अब जो है न पानी सर से ऊपर निकल गया है हमने प्रशासन के भी ध्यान में भी ये मामला लाया सब लोगों ने वहाँ जनता उग्र हो रही है प्रचंड हो रही है और वो जनता आकर कुछ भी कोई भी निर्णय ले सकती है जनता जनता हम कुछ नहीं कर सकते हमने आज तक जनता को संभाला है रोका है और बार बार हम प्रशासन के साथ मीटिंग कर रहे हैं और नए चाय वालों के साथ मीटिंग कर रहे हैं लेकिन ये इस चीज़ को, को किसी भी कोई भी हमारा जो फैसला मानने को ये तैयार नहीं है तो आगे इसका अंजाम क्या होगा अब ये जाने प्रशासन बिल्कुल एकदम से बिना किसी सुनवाई के जो एक नोटिस निकाल करके बोल दिया कि 113 परसेंट जो टोल टैक्स बढ़ाया जाएगा देखिए टैक्स देना बड़ा ज़रूरी है देश तभी चलेगा लेकिन टैक्स के साथ साथ फैसिलिटी भी होना चाहिए हमने आज की मीटिंग में ये सवाल उठाया जिसमें ये प्रोजेक्ट इसका नई के भी पी डी थे दूसरे लोग थे जिला प्रशासन की अगुवाई में आज बैठक हुई विभिन्न तो संगठनों के लोग भी थे कि जब आप सुविधा नहीं दे रहे हो अब ये सारा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और ये जब नाम फोर लेन दिया गया कुल्लू से मनाली टू लेन है और इतने सालों से आप इलीगल तरीके से कि वो रोड अभी तक कम्प्लीट नहीं है गलत तरीके से आप पहले तो ये टोल गलत लगा दूसरा आपने बढ़ाया गलत है तो बीच में अभी जून महीने में डी साहब ने मीटिंग करी थी सारे ये एन के लोग भी थे हम सारे लोग थे प्रभावित विस्थापित उसमें यह था कि जितनी भी लोगों की पब्लिक गांव की पब्लिक रिवेंसेज है कोई गांव के रास्ते है कोई को दूसरी जैसे रेन शेल्टर्स है या बस स्टॉपेज वगैरह है जो जो दिक्कतें लोगों की आ रही है उसको लेके कर बैठक होती शेम शर्म की बात है पाँच महीने होट हो गए उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं और ये हवाला देते हैं कानून का आज उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है ये तो आ, सरकार का निर्णय है अरे सरकार ने तो दो का एक्ट भी बनाया उसमें यह था कि ये जनता के हित में होना चाहिए मानवीय होना चाहिए पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए उसको फॉलो नहीं ये ये लोग नहीं करते जब ये खुद कानून को नहीं मानते भारत सरकार के बनाए कानून को तो हम भी ये गलत किस्म के कानून को हम नहीं मानते आज़ादी प्राप्त करने के लोगों ने अपनी जाने दी है और आज़ाद और जो हमारे जो पड़ोस के ये टकोली के टोल प्लाजा की बात है उसकी भी आज बात हुई वो भी अगर देखा जाए तो बहुत अमानवीय है हमारी कुल मिला के हैं चाहे टकोली है चाहे मनाली हम सभी की हैं जहाँ तक जनता के साथ अन्याय होता है अन्याय सह नहीं होगा ये सात सालों से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं अब तो विभिन्न कोई दो दर्जन संगठन सब मिलकर के मैदान में है तो ये गलत चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे धन्यवाद सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट